जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज आप किस पॉम को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्य के बारे में जानेंगे। आप मेल हैं एंड अभी आपकी एज अराउंड 40 इयर्स है। आप स्पेशल आपका एक क्वेश्चन है कि फिनेंशियली आपका कैसा रहने वाला है आने वाला समय। वेल्थ के रूप में आप अभी थोड़ी सी बुरी कंडीशन से आप गुजर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं इनके बारे में कि क्यों ये परिस्थितियाँ बनी और ये कब तक कंटिन्यू करने वाली है या ख़त्म होने वाली है, या अगर कुछ इसके बारे में किया जा सकता है जिससे कि इसमें सुधार हो। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं आपके बारे में। आप राइट हैंडेड हैं, ठीक है। आपके लिए फॉर्म की कुछ परिस्थितियों का हम अवलोकन करेंगे और तत्पश्चात आपके राइट हैंड से परिस्थितियों को निहारेंगे। वैसे भी 70-30 का रेशियो है तो राइट हैंड में ही ज़्यादा कुछ हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपके हम जुपिटर माउंट को देख लेते हैं, कैसी परिस्थितियाँ बना रही है। अच्छी है, ठीक है, एक बेहतर स्थिति में है। जुपिटर माउंट ऐसा होने से आपके लिए तो खैर क्लियर है, ठीक है। बहुत ही शांत चित्त के आप व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा आप जहाँ भी हैं, जिस सोसाइटी में हैं, वहाँ आपकी अच्छी खासी पूछ है। यानी कि आप एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पे आप अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह आप जाने जाते हैं काफ़ी शांत चित्त के और काफ़ी अपने कार्य के प्रति समर्पित व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान है, जो एक अच्छी स्थिति है। किसी भी गलत चीज़ से आपका कोई संगत नहीं है। यहाँ तक कि अगर बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई बुरी लत आप में नहीं है, ठीक है। बुरी लत इन द सेंस कि कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, कि कुछ नशा वगैरह जैसे कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। और आप अपने परिवार के लिए, सबों के लिए सोचने वाले हैं। बिकॉज कारण है उसका कि आपका शुरुआती जीवन भी ना काफ़ी संघर्षों से निकल के आया है। आपने काफ़ी बचपन से मेहनत करनी शुरू कर दी थी अपने के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा करने के लिए। आपने काफ़ी स्ट्रगल करा है बचपन से ही। यहाँ तक कि आपने पढ़ाई लिखाई वगैरह जो भी करे तो आपने अपने दम पर आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है उन चीज़ों को पाने के लिए जो कि आपका एक ड्रीम हुआ करता था। आप उस हद तक विभिन्न कारणों से नहीं पहुंच पाए, लेकिन जहां तक हो सका आपने अपने जीवन को एक ऊंचाई दी है और वो आप प्राप्त करने में काफ़ी हद तक आप सफल हुए हैं, ठीक है। और जुपिटर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बहुत दयालु स्वभाव है आपका, काफ़ी गंभीरता है सब लोगों के प्रति, आपके दिल में काफ़ी अच्छा प्रेम है, ठीक है। तो ये आपको सपोर्ट भी करने वाला है, ठीक है, और ये सपोर्ट भी कर रहा है। इस पर कुछ खास सिंबल्स भी आए हुए हैं, है ना। तो चलिए उन्हें हम देख लेते हैं। ये तो कुछ लकीरें हो गई जो कि हृदय रेखा के नीचे की तरफ जा रही है। इस पे एक खास त्रिभुज की स्थिति यहाँ पे आपके लिए बनी है, ठीक है। और इसके ऊपर से ठीक, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ रेखाएं जा रही हैं। ये किन परिस्थितियों को बयां करती है? ये विश्वास से थोड़ा सा ऊपर अंधविश्वास की तरफ बढ़ावा देती है आपको, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आप किसी पर, जिस पर भी आप विश्वास करेंगे ना, थोड़ा एक हद से ज़्यादा तक आप चले जाएंगे और वो आपके लिए नुकसानदेह होगा एक एज में जो कि ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। आने वाले समय में आप इसके लिए सावधान रहें ताकि वैसी परिस्थितियों से आपको दोबारा दो चार न होना पड़े, ठीक है। एक बात मैं सर्वप्रथम यानी कि शुरुआत में ही क्लियर कर दूं कि आपकी जो आने वाली सिचुएशन है ना, वो अच्छी से अच्छी होगी लेकिन पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। अभी आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हैं ना, उसमें दिन प्रतिदिन ऊपर की तरफ आप बढ़ने वाले हैं, पीछे का आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब हम देखेंगे आपके सैटर्न माउंट को। सैटर्न माउंट में क्या स्थितियाँ बन रही है, ठीक है। अच्छी है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे इसका दोष है और ये दोष ऑलमोस्ट आपके जीवन में लास्ट 2.5 और 3, ठीक है, ईयर से ये आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पे होनी इसने शुरू कर दी है, ठीक है, करनी शुरू कर दी है और इसका असर आपके जीवन पे अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्रभाव अब एक तरीके से बात करें तो धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। इसलिए धैर्य आपके लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है इस समय में, क्योंकि जब उदय होता है और पतन होता है ना, इस दोनों समय में, उदय के समय और पतन के समय, चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आपकी तरफ खींचती है, ठीक है। और बीच का जो मिडिवल होता है उस टाइम चीज़ें स्टेबल होती हैं,
परिश्रम होता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन जब शुरुआत और अंत की स्थिति होती है तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती हैं। तो इसलिए आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से आप गुजरेंगे, ठीक है, लेकिन धैर्य बना के रखें, आसानी से निकल जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि समय की सबसे अच्छी खूबी यह है कि कैसा भी हो निकल जाता है, ठीक है, तो बस वही हाल है, निकल जाएगा ये। इनकी स्थितियाँ कुछ अलग हैं, इसके लिए कुछ रेमेडी वगैरह भी हैं जिनके बारे में आपसे जब व्हाट्सएप पे बात होगी तो हम जिक्र करेंगे इसका, ठीक है। अब आते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र में, कैसी स्थिति बनी है सूर्य की। बहुत ही अच्छा है, एक बेहतर परिस्थिति है। ईमानदारी की मिसाल आपकी दी जा रही होगी जहाँ भी आप हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, और इस कारण आपको काफ़ी नुकसान की स्थितियाँ भी आपके जीवन में कई बार आई हैं, ठीक है। लेकिन एक खंडित त्रिशूल जैसी स्थिति इसने यहाँ पे निर्मित करी है, एक बेहतर परिस्थिति है, ठीक है। चमक खोएंगे फिर से प्राप्त करेंगे, खोएंगे फिर से प्राप्त करेंगे, ठीक है। जैसे सोने पे थोड़ी सी धूल पड़ जाए ना तो उसकी चमक खत्म नहीं होती, ठीक है, वो थोड़े समय के लिए वो नज़र नहीं आती है, लेकिन जैसे ही धूल उड़ेगी फिर से उसकी वही चमक होगी, वही आपके साथ है, ठीक है। आप स्वर्ण हैं, गोल्ड हैं, ठीक है। बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन आपके सेहत पर उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए खुद को कभी भी निराश मत होने देना, ठीक है। एक अच्छी किस्मत आपने पाई है जो कि आपको लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करने वाली है, और एक बेहतर परिस्थिति में वेल्थ के मामले में भी आप हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं आपके बुध के पर्वत पर, इनकी स्थितियाँ कैसी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। बुध की स्थिति आपके आजीविका से संबंधित है, ठीक है। आप अभियंत्रिकी, ठीक है, इंजीनियरिंग को हिंदी में कहा जाता है अभियंत्रिकी, तो अभियंत्रिकी क्षेत्र ही आपके आजीविका का मुख्य साधन होगा, ठीक है। विभिन्न प्रकार के लघु कार्यक्रम आप इसमें करेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में फिलहाल जब आपकी एज 25-26 रही होगी उस समय से आपके लिए व्यवसाय की स्थितियाँ सॉरी जॉब की स्थितियाँ आपके लिए बनी है, ठीक है। और आपने काफ़ी लंबे अरसे तक नौकरी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं और एक बेहतर परिस्थिति तक भी पहुंची है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के अपने अच्छे पद पे रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आपने किया है, ठीक है, और आपके जो स्पेशलिटीज है, ठीक है, अभियंत्रिकी में यानी कि इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसके द्वारा आपने अपने जीवन को अपने अनुभव को काफ़ी आगे तक आप लेके गए हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की हालांकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा है आप एक बेहतर परिस्थितियों में पहुँचे हैं और काफ़ी अच्छी जगह पर आपने अपनी सेवाएं दी हैं, ठीक है। और वो परिस्थितियाँ बस अभी मुश्किलों से गुजर रही है, जैसा कि मैंने सैटर्न के समय आपको बताया था, लेकिन समापन की ओर है, ठीक है, इसलिए उसकी तरफ से आप ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं मार्स को, कैसी स्थितियाँ बनी हुई है मार्स की। मार्स की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा आपको ना इनसिक्योरिटी फील कराएगी, ठीक है, थोड़ा सा ये आपको कुछ ऐसी समस्याएं देंगी जिस कारण निश्चित रूप से आपके लिए मानसिक तौर पे थोड़ी ज़्यादा क्षति की स्थितियाँ यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय, ठीक है, यानी कि अपना मोरल कभी आपको डाउन नहीं करना है, ठीक है, काफ़ी ऊंचा करके रखें, खुद पे भरोसा करें, क्योंकि इसकी जो अभी स्थितियाँ हैं ना ये थोड़ा सा आपको अलग स्थिति में पहुंचाएगी, आपको अलग अलग तरीके की ऐसी वैसी उखड़ी पुखड़ी सोच आपको देगी, ठीक है, बिना काम की सोच हमेशा माथे में आपके सर में वो राउंड मारती रहेगी, ठीक है। इसके कारण आपकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू भी यहाँ पे आएगी, ठीक है, ब्लड से संबंधित चीज़ें आपको यहाँ पे परेशान करेंगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, खासकर हार्ट का और पेट से संबंधित आपको यहाँ पे समस्याएं मिलती आ रही है, और रक्त से संबंधित बिखार की भी संभावना यहाँ पे बनेगी, ठीक है, तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। दूसरे मंगल की स्थिति ठीक है, बस यही कहूँगा ना कि इसके लिए मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसे कभी कभी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करे तो बेहतर है, ठीक है, तो बस वही आप समझ लें।
कैसा है आपके वीनस, आपका वीनस कैसा है? बेहतर स्थिति में, ठीक है। इनके लिए किसी भी प्रकार की समस्याओं की कोई यहाँ पे शुरुआत नहीं दिख रही है, और ये आपके लिए एक बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर रही है, ठीक है। निश्चित तौर पे जहाँ आपने जन्म लिया है, जिस कुल खानदान में जहाँ से आप आए हैं, वहाँ आपके लिए परिस्थितियाँ निश्चित तौर पे कुछ अलग थी, लेकिन चीज़ों को आपने काफ़ी हद तक संभाला है और आपने अपने परिवार को एक अपग्रेड किया है, ठीक है। अंग्रेजी में उसे अपग्रेड कहते हैं, यानी कि आपने स्थाच्युत मतलब ऊपर की तरफ आप बढ़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आपके मून को, ठीक है। मून की क्या परिस्थिति यहाँ पे बन रही है? बेहतर है, मून अच्छी स्थिति में है। थोड़ी सी इसमें रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। तो नींद वगैरह की आपको समस्या अभी कंटिन्यू चल रही होगी लास्ट 3 to 4 ईयर्स से, ठीक है। टेंशन जैसा कुछ आपके साथ ही हमेशा बना होगा। आप बहुत बार घूमने वगैरह का भी प्रोग्राम प्रोग्राम आप बनाते हैं, लेकिन मतलब टूर वगैरह के लिए आप जा नहीं पाते हैं, फैमिली के साथ वगैरह जैसी चीज़ें इसमें आ रही हैं, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है। जब कोई चीज़ ऐसा हो ना जब परेशान करने लगे, तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उन्हें मुक्त कर दो कि नहीं, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब होगी फिर से तुम आ जाना, ठीक है, अभी तुम जाओ। तो ऐसा कर देने से क्या होता है ना कि आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, ठीक है। हमेशा सबका समय नहीं होता, कभी कभी चीज़ें जैसा हम चाहते हैं वैसा हमारे साथ वर्ताव नहीं करती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। दुनिया गोल है, चीज़ें लौट के आएंगी फिर से हमारे पास। लेकिन जब वो आएंगी, अगर तब तक हम ना रहें तो फिर क्या फ़ायदा? तो मज़ा तो तब आएगा ना जब हम वहीं बैठे रहेंगे, चीज़ें फिर से लौट के आएंगी, तो ज़्यादा खुशी होगी हमें फिर उस समय, क्योंकि वास्तविकता में हम उस समय जीत चुके होंगे, ठीक है। तो कैसे हम इंतज़ार करेंगे उतना समय? निश्चित रूप से धैर्य एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें उसके लायक बनाती है, ताकि हम आज बुरे दौर से गुजर के एक बेहतर कल का निर्माण कर सकें, ठीक है, और उसका रसा स्वादन हम कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही खुशी से, ठीक है, कि बस चीज़ें आ गई हैं तो फिर से कल भी आएगा, ठीक है, ये भी समय गुजर जाएगा, ठीक है, यही बात है। अब चलो मैं हम आते हैं आपके लाइंस पे, ठीक है, कैसी बन रही है। सबसे पहले बात करेंगे आपके हॉट लाइन की। निश्चित तौर पे काफ़ी अलग है, काफ़ी इमोशनल आपको बनाती है, अटैचमेंट है आपका लोगों के साथ, सबको खुशी देना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी आप खुद से अलग, यानी कि आपका कुछ हो चाहे नहीं हो, परिवार के लोगों की जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे शायद मेरी एनालिसिस देख के कि ये तो नॉर्मल है, सबका होता है। नहीं होता है, ठीक है, सबका नहीं होता है, मैं तो रोज़ एनालिसिस करता हूँ, लेकिन आपके यहाँ पे है और आप उससे काफ़ी हद तक आपने पूरा भी करा है और आगे भी आप करते रहेंगे, ठीक है, उसकी भी प्रबल संभावना है, किसी भी प्रकार की दोष की स्थिति नहीं है, ठीक है। ये जो पहले जिस सैटर्न लाइन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं वही है, बीच की जो एक वृत्त का यहाँ पर स्थान बना है, ठीक है, वही वो दौर है जहाँ से अभी आप गुजर रहे हैं, ठीक है। तो आगे परिस्थितियों का निर्माण अच्छा करेगी, ठीक है। पारिवारिक जीवन यानी कि अपने पति और पत्नी के बीच की स्थितियों में सामंजस्य बना के रखें, ठीक है, एक बेहतर स्थिति है। आप दोनों एक दूसरे को समझने वाले हैं और काफ़ी अच्छी स्थिति तक आप उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जो कि बार बार सर उठाएंगी, ठीक है। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, निश्चित तौर पे सही है। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे पर्सनली जब हमारी बात होगी, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम आपके मस्तिष्क रेखा पर, यानी कि हेडलाइन पे। कैसी बन रही है हेडलाइन? क्या होता है कि दुनिया में कई अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। एक होगा जिसे आप बैठ के उसे चींटी काट लो आप, तो कूद के भागेगा वहाँ से और सबको कह देगा हे इसने मुझे चींटी काटा, ठीक है। और एक होगा जो कि किसी ने काटा मुस्कुरा के रह जाएगा। आप दूसरे टाइप के हो, ठीक है, बचपन से ही बहुत सारे राज आपने छुपा के रखे अपने दिल में। ये अच्छा है एक तरीके से अगर बात करें तो, एक बेहतर व्यक्तित्व की निशानी है।
लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ना व्यक्त करनी चाहिए, बोलनी चाहिए, क्योंकि हमेशा दिल में रखना बात हमारे लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी वो चीज़ें हमें बाद में काफ़ी तकलीफ़ देती है, ठीक है, तो उससे हमें बचना चाहिए। अब जो यहाँ पर परिस्थितियों का निर्माण हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, बस एक ही बात कहूँगा, ठीक है, पूरे दिन में आप अगर 100 वर्ड आपके दिमाग में आता है ना, तो 90 वर्ड जो है ना अभी बेकार के हैं, फालतू के हैं, ठीक है। तो आप वो जो फालतू के यूजलेस 90 वर्ड है ना, उससे आप बाहर जाने का रास्ता बता दो, ठीक है, कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, वैसे कभी भी नहीं है, लेकिन अभी तो फिलहाल चले ही जाओ, ठीक है। और उस 90 वर्ड में ना आपके लिए जो अभी आने वाला समय है, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर है, तो उस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप उतना जो स्पेस खाली होगा ना, उसका प्रयोग करें योजनाएं बनाने में, कैसे हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लर्निंग का समय हो जाएगा, रिजल्ट के समय में आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हमें समय मिल गया, हमने लर्निंग कर ली, जब हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, कल के डेट में जैसे ही हमारे पास बहुत सारे काम रहेंगे, उस समय अगर लर्निंग के लिए हम बैठेंगे, तो क्या पता चलेगा फिर से हम ऐसी ही स्थिति में आ गए, ठीक है। तो इस समय का सदुपयोग करेंगे हम कुछ अर्जित कर लेने में, कुछ जान लेने में, ठीक है। और जब बारी आएगी इम्प्लीमेंट करने की, उस समय हम इसका सदुपयोग करके अपना काफ़ी समय और ऊर्जा बचा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उससे सोचे। यहाँ पे कुछ और रेखाएँ बन रही है, ठीक है, एक बेहतर स्थिति। आपका एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, आपने क्वेश्चन करा था दो, हाँ, एक है वेल्थ को लेकर कि शायद आप उस स्थिति में जा रहे हैं फिनांशियली, जो कि आपकी नज़र में अच्छी नहीं है, तो क्या उसके सुधार की कोई गुंजाइश? नित्य दिन उसमें सुधार ऑलरेडी शुरू है और वो जल्द मुकाम पे होगा। कितना समय लगेगा, कितनी उसमें ऊर्जा लगेगी, क्या आखिर कुछ एक क्लियर डेट्स बता सकते हैं एज एस्ट्रोलॉजर? जी बिल्कुल, इस समय आपके लिए बहुत ही नज़दीक है, ज़्यादा नहीं, अगस्त 2019 एक ऐसा समय होगा जिस समय आप इस वीडियो के बारे में सोच के मुस्कुरा सकते हैं, यानी कि आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे। शुरुआत हो चुकी है, आपको दिखने लगेगा असर, ठीक है। घर आपका दूसरा क्वेश्चन एक था, मैं घर कब बना पाऊंगा, और साथ में हाँ आपको कुछ लैंड वगैरह भी चाहिए है, उसके लिए क्या परिस्थितियाँ बन रही है आपकी एज की? जब अभी आपकी 40 है, ठीक है, 41.5 और 2 एक समय है जिस समय में चीज़ें बिल्कुल बदलेंगी और एकाएक बदलेंगी, और वो एक आंधी की तरह हो गई ऐसा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एकाएक आपके हाथों में होगी और आपके लिए चीज़ें आसान होंगी, ठीक है। तो क्या उस समय जो भी आपकी सोच है, जो भी आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी? और अगर आनी शुरू हो जाएंगी तो क्यों क्यों आनी शुरू हो जाएंगी, अभी क्यों नहीं आ रही है? फिर से हम जाएंगे सैटर्न पे, जहाँ पे चर्चा हुई थी कि ये चीज़ें कितने समय से दबाव बना रही थी और किस तरीके से अपने जब शिखर पे होती है या अभ्युदय के समय, तो कैसे प्रताड़ित करती है व्यक्ति को, और उसके पश्चात चीज़ें कैसे बिल्कुल छूट के निकलती है, ठीक है। जैसे किसी को आपने जकड़ रखा हो और वो भागने के लिए तत्पर हो, भागने के लिए तत्पर यानी कौन? आपकी मेहनत, आपकी लेबिलिटी, जो कि आपको रुकने नहीं दे रही है, जकड़ा हुआ है, हम मानते हैं विभिन्न ग्रहों के कारण से, लेकिन उसे अलग अगर साइंस की नज़र से सोचे तो दूसरी थ्योरी हो जाती है, ठीक है। बस आप इतना ही समझो कि वो जकड़ी हुई है, ठीक है। तो जैसे ही उसे छोड़ेंगे ना, चीज़ें एकदम गोली की तरह स्पीड से निकलती हैं, ठीक है। अब क्या है कि वो अगर
हक्का बक्का होके बैठा रहेगा कि कैसे भी मुझे निकल जाना है। तो क्या होगा, निकलते ही इधर से उधर कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक वो जकड़ा हुआ है तब तक वो प्लानिंग कर लेगा बंदा वो गोली कि नहीं मुझे ऐसे निकलना है और इस प्रकार से जाके अपने टारगेट को हिट करना है। तो क्या होगा, अभी के टाइम का भी यूज हो जाएगा और उस समय भी रिजल्ट परफेक्ट 100% उसे मिलेंगे। लेकिन वहीं पे इस समय हमने अपनी पूरी पूरी ऊर्जा छटपटाहट में निकाल दी, ठीक है कि नहीं, कैसे भी चाहिए कैसे भी चाहिए, कुछ भी चाहिए, निकाल दो निकाल दो निकाल दो। जैसे कि लॉट्स ऑफ कुछ लोग आते हैं मेरे व्हाट्सएप पे दिन भर में, अलग अलग तरीके से कई सारे सवाल पूछ देते हैं कि आप बता दो, अभी बता दो, 2 मिनट में बता दो। जैसे कि मैं सुबह से पूजा पाठ करके बैठा हुआ था कि हे गुरुदेव आइए, आप ही के इंतजार में बैठा हूँ, देवता आओ मैं आपकी देख के बस तुरंत बता देता हूँ। उन्हें लगता है कि बस मैं ही एक हूँ जो यहाँ पे आया हूँ। गुरुदेव आपके जैसे न जाने कितने सारे लोग, रोज 200 से ऊपर लोग आते हैं, ठीक है। तो ये छटपटाहट एक चीज होती है ना, धैर्य ना होना, ठीक है, ये व्यक्ति के जीवन की अवनति का यानी कि आपके डाउन होने का सबसे बड़ा कारण है, जीवन में नीचे की तरफ जाने का सबसे बड़ा कारण है पेशेंस का ना होना, ठीक है। कोई भी काम दुनिया में आप ले लो ना, जब तक पेशेंस नहीं होगा ना कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो आप खुद को ले लो, आप वहाँ पे हो, कोई बंदा आया, आप किसी दुकान पे बैठे हो, ठीक है, आया भैया मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो। अब वो क्या करेगा, लगातार 5 मिनट बोलेगा ना, ऐसा होगा कि आप हाथ जोड़ लोगे, मन करेगा पहले तो या उसका सर फोड़ दो या खुद का फोड़ लो, ठीक है, नहीं तो हाथ जोड़ दोगे भैया मेरे पास नहीं मिलेगा, तुम जाओ जहाँ से लेना है ले लो, ठीक है। किसी से जब काम लेना हो ना तो बहुत प्रेम से लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप वहाँ पे अगर जल्दीबाजी दिखाते हो तो क्यों कोई करेगा आपका, आखिर उसने आपका लिया क्या है, ठीक है, कुछ नहीं, उसके मतलब क्या है, आप हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया को, ठीक है। तो सब चीज़ों का ना, जिंदगी जीने का ना एक नियम होता है, एक तजुर्बा होता है, उस तरीके से लेना चाहिए। अब ऐसा मत मान लेना कि मेरे लिए हमारे यहाँ के कुछ टर्म कंडीशन है, ठीक है, वो जब आते हैं उस तरीके तभी मैं किसी को किसी से बात करता हूँ, नहीं तो वैसे 6 महीने मैसेज करते रह जाओगे कोई रिप्लाई नहीं, ठीक है। तो ये थी बातें, अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएंगी कि जब चीज़ें आएंगी ना तो एक आएंगी, तेज़ी से आएंगी और आपके लिए एक बेहतर स्थिति को तैयार करेगी, ठीक है, जिस समय आपके लिए अच्छी स्थिति आ जाएगी। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्पाम में ऐसे छोटे छोटे कुछ डिफिकल्टीज हैं जिनके कारण चीज़ें थोड़ी सी जितनी मुश्किल नहीं है उससे ज़्यादा मुश्किल प्रतीत हो रही है, यानी कि दिख रही है। उन्हें हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए रेमेडीज हैं जो कि जाएंगी, तो उसके बाद चीज़ें आपको खुद जब आप उसे करेंगे, उसे अपने प्रयोग में लाएंगे, उसे किया जाएगा, तत्पश्चात आपको चीज़ें स्वतः ही दिखने लगेंगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी भी प्रकार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वैसे भी आने वाले समय में आपके लिए बिजनेस के बहुत ही बढ़िया योग बन रहे हैं, ठीक है, जो अब आपको खुशी नहीं दे रही है, बचपन से नहीं दे रही थी। होता है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं उससे अलग हमें कार्य करना पड़ता है। मैरिज आपके लिए बहुत ही लकी है, शुरुआत से ही जब से आपकी मैरिज हुई चीज़ें आपके काफ़ी पक्ष में चली गई है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थिति का निर्माण किया है। आफ्टर मैरिज आपने अपनी ज़िंदगी में एक छलांग लगाई है जो कि काफ़ी बेहतर है, अच्छी है, ठीक है, ये बरकरार रहेगी आगे भी, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। जीवन के बारे में तो ऑलरेडी हम ऊपर ही बता चुके हैं कि कितने ज़्यादा आपने स्ट्रगल कराया है जीवन में, विभिन्न तरीक़ों से आपने जीने के जीवन के हर एक दुश्वारियों से आप काफ़ी हद तक लड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा आपने मुश्किल हालातों का सामना किया है, फिर भी आप चलते रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, ठीक है। निश्चित रूप से एक बहुत ही उम्दा स्थिति है और ऐसे में रिस्पेक्ट बढ़ जाता है जब आप किसी को ऐसा देखते हैं, तो निश्चित तौर पे मेरे साथ भी ऐसा है। तो बहुत ही बेहतर जीवन आगे के लिए भी संभावना है, बहुत ही उज्जवल, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता की परिस्थितियाँ नहीं बन रही है, बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीज़ें समय से चल रही हैं, ऑन ट्रैक हैं, ठीक है,
मुश्किलें भी आई हैं, गलत नहीं आई हैं, उन्हें आना था, बिल्कुल सही आई हैं, ठीक है, और बिल्कुल उसी तरीके से निकल भी जाएंगी। अभी मुंह खुला हुआ है, ठीक है, मंगल ने अभी बस अपना मुख, उसका जो गेट है ना, उसने खोल रखा है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आपको तुरंत के तुरंत, यानी कि जस्ट निकलती है और चीज़ें आपको महसूस हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कहीं क्या होता है कि अभी एटीएम में जाता हूँ, तो वहाँ पे जैसे ही खोलोगे एक बार, गर्मी के समय में बहुत तेज़ ठंडी हवा का झोंका आएगा, ठीक है, तो क्या होता है कि उससे आपको लगता है कि मतलब एकाएक मौसम चेंज हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही चीज़ें, कुछ जो भी आपके सामने आता है बस बुरी ही आती है, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखेंगे, परिस्थितियाँ मुश्किल थी, अब सही है, ठीक है, आगे बात करेंगे, ऑलरेडी तो सब कुछ हो ही चुका है, ठीक है। दाहिने की आपका देख लेते हैं, चलो बेहतर है, गुड, सैटर्न डबल वृत्त, ये देखो इसने प्रूफ कर दिया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 2.5 to 3 years, ठीक है, बस निकलने ही वाला है, इसलिए इसे भी आप करेक्ट मान के चलो। सन का, सन के रेंज में, ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी आई हैं अलग, नॉलेजेबल हो आप काफ़ी चीज़ों, कुछ भी जो बंदा सामने वाला 10 मिनट में समझ पाएगा, आपने 2 मिनट में समझ के दिखाया है कई बार। हाँ, सूर्य शनि इनकी स्थिति थोड़ी है, बुध यहाँ पर भी आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलो नीचे आ जाते हैं, अभी आपकी एज है ना, अभी जस्ट आपको 1 to 1.5 years, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी मिलने वाली है, ठीक है, आप करना उसका काम, मे बी पॉसिबल अगर बर्थ टाइम एक्यूरेट हो ना, तो हॉरोस्कोप की रीडिंग भी एक बार करवा लेना, ठीक है, ताकि सब शुभ मुहूर्त आपके लिए क्या है वो सब भी आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा चलो कुछ टैलेंट भी थे जिसके लिए आपने कंप्रोमाइज करा जीवन में, फॉरेन ट्रिप के भी कई सारे चांसेस आपको मिले हैं, ठीक है, हालांकि मुश्किल हालातों में थे वो सारी चीजें, सारे ट्रिप। आगे कोई संभावना नहीं है, ठीक है, ट्रिप्स की, और बात कर लें, मेहनत आपकी हमेशा जारी रहने वाली है, ठीक है, कभी बैठोगे नहीं। और एक और बात बता देता हूँ, आपकी एज है ना मोर देन 80 ईयर्स है, और जब भी आपकी मृत्यु होगी ना, तो आपको कभी भी जो एक होता है ना कि लोग हॉस्पिटल में 6 महीने रहें, 6 महीने बेड पे रहें, बीमार रहें, ऐसा वैसा करके, वैसा नहीं होगा, चलते चलते निकल लोगे, ठीक है, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत कम लोगों में ऐसा मैं देखता हूँ, इवन कि बहुत सारे कम वीडियो में इसकी चर्चा भी करता हूँ, क्योंकि दिखता ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे संभावनाएं बन रही है। संतान पक्ष से थोड़ी सी परेशानियों की स्थितियां यहाँ पे निर्मित हो रही है, हालांकि वो अस्पष्ट है, ठीक है, क्योंकि रेखाएं जो है ना वो वापस वापस होने लगी है, यानी कि जिस प्रकार से वाई थी और जिस प्रकार से रेखाओं का यहाँ पर संग्रह है, वो चीजें सिमटती हुई दिख रही है, ठीक है, पहले जितना फैलाव था उसके मुकाबले अब सिमटती हुई दिख रही है, क्योंकि सबकी एक सिचुएशन होती है, जब वो खास एंगल में आ जाए ना, तो उससे पता चलता है कि चीज़ें सिमट रही हैं या फैल रही हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसे बताते हैं, तो चीज़ें सिमट रही है, इसलिए उसकी कोई ये है नहीं, ठीक है। बाहरी थोड़े संबंधों से आप सचेत रहें, ठीक है, कुछ इल्ज़ाम वगैरह जैसी चीज़ें, आप एलिगेशन, ठीक है, आ सकते हैं, तो आपको उससे थोड़ा सचेत रहना चाहिए, नहीं तो चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, है ना। अभी बेहतर है,
घर जमीन परिवार सब आपका बेहतर स्थिति में और आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करनी चाहिए। चलो, ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपका यो का साइन भी बेहतर है अंगूठे की, ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति में है। चलिए जी, ये आपका हो गया। मंगल की रेखा भी बेहतर सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके क्वेश्चन और कुछ और आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, आप अपने क्वेश्चन करना, और जो कुछ रेमेडीज वगैरह हैं उस सब मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।